वीडियो देख रहे सभी साथियों को नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैक बेंचर्स पाठशाला। बैक बेंचर्स पाठशाला हम यूट्यूब पर आपके लिए प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं। इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको कवर करवाएंगे जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, ये सिर्फ पर्टिकुलर एक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। आप इसको किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो SSC हो, UPSC हो, CGL हो, रेलवे हो, कोई भी कम्पिटिशन एग्जाम हो, आप इसको हर एक जगह पे आपके लिए हेल्पफुल यूजफुल होने वाला है। इवन अगर आप यूनिवर्सिटी या स्कूल के एग्जाम के पर्पज से भी हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, तब भी ये आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो इस पे हम सामान्य अध्ययन में आप लोगों को कवर करवाएंगे क्या पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी और जितने जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जाए, अच्छे से अच्छा पढ़ाया जाए। और इसी में हम आपको करवाएंगे, सबसे पहले आपको करवाया जाएगा पॉलिटी। पॉलिटी के अंदर क्या है? पॉलिटी के अंदर सबसे पहले हमने क्या किया है? हमने किया है कि आर्टिकल और कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को अलग अलग कर दिया है। मतलब कहने का क्या है कि हम आर्टिकल को अलग से पढ़ेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन की जो हिस्ट्री है, डेवलपमेंट है, ये इसमें जो एग्जीक्यूटिव है, हमारा लेजिस्लेचर है, विधायिका, कार्यपालिका, इनको हम अलग से पढ़ेंगे। आर्टिकल की सीरीज अलग से बनाने का हमारा मकसद यही है कि क्या होता है कि जो आर्टिकल्स हैं वो हमें याद नहीं रहते, आर्टिकल्स हम भूलते रहते हैं कि कौन सा आर्टिकल कब यूज होता है। एक नंबर का क्वेश्चन होता है हमारे एग्जाम में और वही आर्टिकल के चक्कर में हमारा खराब हो जाता है, नेगेटिव मार्किंग होती है, तो इवन हमें मार्क्स खोना ही पड़ता है। तो आर्टिकल्स को हमने इस तरीके से तैयार किया है या आपको हम इस तरीके से पढ़ाएंगे स्टोरी के माध्यम से, ताकि आर्टिकल्स आपको अच्छे तरीके से याद रहें, आर्टिकल को आप कभी भूलें ना। डिटेल में हम इनके बारे में डिस्कस करें। आर्टिकल्स को याद करने की दिक्कत को हमने दूर करने के लिए ही आपके लिए इस सेक्शन को अलग किया है। कॉन्स्टिट्यूशन में हम कुछ नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में वही पढ़ाएंगे जो पॉलिटिक में हम पढ़ते हैं, जनरल पढ़ते हैं। उसके बाद हम हिस्ट्री, हिस्ट्री में सबसे बड़ी दिक्कत सन, डेट्स, इतनी डेट्स हैं, हिस्ट्री इज फुल ऑफ डेट्स। हिस्ट्री में बच्चों को बहुत बहुत, हिस्ट्री बच्चों को बहुत बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, डेट्स याद नहीं रहती, इतनी डेट्स, इतनी लड़ाइयाँ, इतनी फाइट, इतने राजे महाराजे, बच्चे कैसे याद करें, कैसे याद करें? याद हम करवाएंगे यहाँ हमारे चैनल पर, हमारे प्लेटफॉर्म पर। ये हमारी जिम्मेवारी है कि किसी का बेटा हो, किसी की माँ हो, किसी का बाप हो, कोई कभी भी पैदा हुआ हो, कोई लड़ाई हो, झगड़ा हो, कब हुआ, कैसे हुआ, हम इसको बिल्कुल ऐसे करवाएंगे जैसे आपके पड़ोस में लड़ाई झगड़ा हुआ हो, या अगर कोई राजा महाराजा पैदा हुआ हो तो वो आपके बचपन का यार रहा हो, आपके पड़ोस में ही पैदा हुआ, बिल्कुल इसी तरीके से, बिल्कुल नॉर्मल वे से हम आपको डेट्स वगैरह सब कुछ याद करवाते हुए चलेंगे। एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों में ही हमारी कोशिश रहेगी कि इंटरेस्टिंग वे से, स्टोरी के माध्यम से, फनी वे से हम हिस्ट्री को कवर कर सकें और हमारा हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है अच्छा हो सके, कम्पिटिटिव एग्जाम में हम स्कोर कर सकें। उसके साथ साथ हम शुरू करेंगे जियोग्राफी। जियोग्राफी मतलब भूगोल, भूगोल, भूगोल मतलब धरती गोल। भूगोल शुरू करेंगे हम। भूगोल शुरू करने से पहले एक चीज इंपॉर्टेंट रहती है, भूगोल शुरू करने से पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मैपिंग, मानचित्र, नक्शे, वो उसकी जानकारी होना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि मैपिंग के बिना मुझे नहीं लगता कि जियोग्राफी पढ़ना सेंसिबल रहता है। क्योंकि अगर हम जियोग्राफी को, भूगोल को मैप के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से पढ़ लेते हैं तो हमें जियोग्राफी में कभी फ्यूचर में दिक्कत नहीं आती, और हमारा कोई भी क्वेश्चन अगर हम उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग से भी अगर उसको सॉर्ट आउट करते हैं हम क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में उस क्वेश्चन को, तब भी हम कर सकते हैं अगर हमें मैपिंग की अच्छी जानकारी है। तो इसीलिए हमने मैपिंग के सेक्शन को भी अलग से रखा है, हम आपको मैप करवाएंगे अच्छे तरीके से, ताकि आपको जियोग्राफी में, भूगोल में कोई दिक्कत ना हो। विश्व की, भारत की, सभी प्रकार की जियोग्राफी आपको यहाँ पे कवर करवाई जाएगी। इसके अलावा भी और जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी कवर करवाया जाएगा। कंटेंट की आप बिल्कुल चिंता ना करें, कंटेंट बिल्कुल वैसा होगा जो सबसे टॉपेस्ट एग्जाम इंडिया का है, आई थिंक UPSC है, उसके लेवल का कंटेंट रहेगा। अगर आप कोई छोटा एग्जाम दे रहे हैं तो प्लीज उसमें से, अपने नोट्स में से छोटे छोटे बुलेट पॉइंट बना के उनको कट कर लीजिएगा। और उसके बाद मैपिंग के बाद एक एडवांटेज आपके लिए यहाँ पे ये रहेगी कि हम आपको यहाँ पे कवर करवाएंगे क्या, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है एनवायरनमेंट। क्या एनवायरनमेंट हम यहाँ पे आपको कवर करवा के देंगे। एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट करवाने का हमारा बहुत खास मकसद है। एनवायरनमेंट करवाने का हमारा मकसद यही है कि हम आपको वातावरण के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी दे सकें। क्योंकि आजकल आप डिबेट्स देख लो, गवर्नमेंट की जो
जितनी स्कीम्स आ रही हैं या कुछ भी आ रहा है, वर्ल्ड लेवल पे देख लो, इंडिया के लेवल पे देख लो, कहीं भी देख लो, एनवायरनमेंट की बहुत बातें होती हैं, वातावरण की, पर्यावरण की बहुत बातें होती हैं, क्योंकि ये खराब ही इतना होता जा रहा है। तो इसी की सीरियसनेस को देखते हुए जो एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली बॉडीज हैं उन्होंने भी क्या किया है, एनवायरनमेंट के, पर्यावरण के क्वेश्चन को भर भर के एग्जाम्स में डालना शुरू कर दिया गया है, ताकि लोग एनवायरनमेंट के बारे में अवेयर हों, उसके बारे में पढ़ें, जागरूक हों। तो हम इस सब्जेक्ट को स्किप नहीं कर सकते, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनता जा रहा है आज के दिन। हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये, और ये जियोग्राफी से ही इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट है, इसीलिए हम जियोग्राफी के साथ साथ आपको एनवायरनमेंट भी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जियोग्राफी के साथ साथ अगर आप एनवायरनमेंट पढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसके अलावा भी और बहुत सारे सब्जेक्ट बच गए हैं, तो वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करते, हम आपको सब करवाएंगे। कंटेंट देने की जिम्मेवारी हमारी है, नोट करने की, मेहनत करने की हमारे साथ आपकी जिम्मेवारी है। सो इन सभी को देखने के लिए, इन सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो को देखने के लिए, इस सभी कंटेंट को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा हमारे चैनल बैक बेंचर्स पाठशाला में। आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हमारी और आपको कोई प्रॉब्लम है या आपका कोई सुझाव है तो हम उसका वेलकम करते हैं। प्लीज़ आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करके, बैक बेंचर्स पाठशाला। थैंक यू।